अब इसमें सूरज की लालिमा हम बनाएंगे। ये देख लेंगे कि यह सूख गया है, सूख गया है तो इसी में से उगता हुआ सूरज, अभी सूखा नहीं है इसलिए इसको नहीं बना पाएंगे। अब इसके बाद से इस सूरज की परछाई हम बनाते हैं। इसके लिए ब्रश आप हल्के हाथ से पकड़िए और जो उसकी परछाई प्रतिबिंब सूरज का बनता है उसको आप बनाते जाएंगे, दूर होते होते छोटा और नज़दीक आते आते बड़े पैच में आता जाएगा। ऐसे देखिए, सूखने का भी इंतजार करेंगे। इसमें झोपड़ी बनाने में येलो आकर लेते हैं और इसको ऊपर साइड में येलो आकर लगाते हैं। बच्चों एक चीज का आप लोग ख्याल कीजिए, ये जो झोपड़ी बना रहे हैं तो ये तिरछा बना है, इसी को प्रस्पेक्टिव बोलते हैं, परिप्रेक्ष्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेथड ये है कि जिधर से हम देखेंगे उधर बड़ा होगा और दूर जाते आते छोटा होता जाता है। तो ये देखिए, इधर से हम देख रहे हैं, इस साइड से इधर का चौड़ा, इधर जाते आते पतला और ऊपर साइड में हम लाइट देते हैं, उसके बाद से इसमें थोड़ा सा नीचे आते आते रंग साइना ले लेंगे इसी में, और देखिए गीले में ही हम टच करेंगे तो फ्लो करके मिक्सअप हो जाएगा और फिर थोड़ा सा ब्रन साइना में ग्रीन या कोबाल्ट ब्लू कोई भी डीप कलर ले लेते हैं और इससे ये हम दे लेंगे। ये देखिए झोपड़ी का, इसके बाद से एक साइड में लाइट और दूसरे साइड में सेट पड़ेगा, क्योंकि सूरज इधर है तो इस साइड को हम लाइट बनाएंगे। इसके लिए ब्रन टंबर लेते हैं, ब्रंटम्बर या रासाइना ये ले लेंगे लाइट कलर के लिए। ये देखिए लाइट कलर। इसके बाद इसका थोड़ा सा शेडो देते हैं परछाई झोपड़ी का, ये देखिए, और इसमें हल्का सा ये हम दे दिए। और फिर इसको हम हल्का सा मिक्सअप कर देंगे, वाटर लगा देंगे, ये मिक्स कर लेगा। ये देखिए ब्रंसाइना से इसमें हम कहीं कहीं हाँ इसमें एक नारियल का पेड़ बनाएंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे इसका फोरग्राउंड बनाते हैं। फोरग्राउंड में डार्क कलर लगाते हैं, जैसे पत्थर बनाना है। सीधे हम इसको ब्रश को घुमा देंगे और इसमें ब्रंसाइना ले लेंगे, ब्रंसाइना कलर डीप डाल देंगे। नारियल बनाते हैं, जब भी सूर्योदय या सूर्यास्त का बनाएंगे तो इसमें हम डार्क कलर ले लेते हैं, पेड़ों का कलर डार्क हो जाता है, इसलिए इसमें जो नारियल का पेड़ बनेगा तो वो डार्क कलर, इसके लिए क्रिम्सन रेड और पर्शियन ब्लू एक में मिला देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा ग्रीन भी ले लेंगे हल्का सा, और इसको नारियल के लिए हम ऐसे खींच देंगे। ये देखिए अब इसमें इसकी लीफ बना देंगे, पत्ती।
इसको यहाँ से स्ट्रोक देते जाएंगे, स्ट्रोक देते जाएंगे ऐसे, इसको ज़रूरत के हिसाब से घुमा भी लेंगे, अपने हिसाब से इसको घुमा लिया जाता है जैसे आपको सुविधा पड़े। ये देखिए में क्रिम्सन रेड, पर्शियन ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन है, सेप ग्रीन। ये देखिए हाँ, इसमें कहीं कहीं ऑरेंज भी मिक्स कर देते हैं, कहीं कहीं ऑरेंज को भी टोन दे देते हैं ऑरेंज का। और शेप ग्रीन भी उसका भी प्रभाव पड़ना चाहिए, तो इसके लिए ग्रीन, शेप ग्रीन को ले लेते हैं। और ये देखिए शेप ग्रीन का टोन दे दे रहे हैं। इसके बाद कोबाल्ट ब्लू और लाइट कलर में जो भी आपको मिल जाए कलर उस पर पहले हम दे लेंगे। उसके बाद से इसकी डाली हम खींच लेंगे, ये देखिए। फिर इसके बाद से एक साइड में लाइट हो गया, अब डार्क कलर देते जाएंगे और इसी के साथ हम ऊपर पतला और नीचे आते आते इसको मोटा करते जाएंगे। अगर ये गीला रहेगा तो अपने आप मिक्स कर लेगा, फ्लो के साथ मिक्स करता जाएगा। ये देखिए फिर इसके बाद से इसमें दो एक दूर का भी हम बनाएंगे और दूर के लिए बिल्कुल धुंधला, बिल्कुल धुएं जैसा बनाएंगे। ये देखिए और इसका पूरा प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, दूर वाले में थोड़ा सा धुंधला ले देंगे। झोपड़ी में थोड़ा सा डार्क करेंगे। इसके बाद से दरवाजे के लिए इसमें क्रिम्सन रेड और पर्शियन ब्लू ये मिला देंगे। आपका ये दरवाजा हो गया, इसमें हल्का सा अब यहाँ पे इसके जड़ के पास घास बना देंगे। और चूंकि यह फोरग्राउंड में है,
फोरग्राउंड जो सबसे नज़दीक का आपका हिस्सा होता है ये फोरग्राउंड कहलाता है। इसमें देखिए ये डिटेल हो जाएगा, ये सबसे डार्क होगा क्योंकि फोरग्राउंड सबसे नज़दीक आपको दिखने वाला ये हिस्सा होता है फोरग्राउंड। और इस तरह से अच्छा ये कंप्लीट हो गया, यह सूर्योदय का दृश्य चित्रण है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, पर्सपेक्टिव जो परिपेक्ष है, देखिए ये नजदीक का पेड़ है तो इसका यहाँ से जड़ यहाँ तक आया है, और यह दूर का है तो इसका यहाँ से लेकर यहीं तक कितना छोटा। और देखिए इसमें इसके कलर में ये डार्क है और ये लाइट है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आएगा।